कैसे हो दोस्तों? मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट भी। शुभंकर चैनल में आपका स्वागत करते हुए, कल के मॉडर्न इंडिया के लेक्चर में हमने भारतीय राज्यों का अधिग्रहण ब्रिटिश में के द्वारा, इसमें हमने मैसूर के बारे में पढ़ा था और थोड़ा मराठाओं के विषय में भी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की थी, ताकि अगले लेक्चर में आपको कभी असुविधा ना हो। तो हमने आपको पेशवाओं के बारे में बताया था और पेशवाओं का उनका पूरा कार्यकाल बताने की कोशिश की थी। आज हम उन्हीं पेशवाओं के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेकर अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से राज्यों का अधिग्रहण किया, इसके विषय में जानकारी लेंगे। आपको मराठा शुरू करने से पहले या शिवाजी के बाद के मराठा कार्य को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें विश्व घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये विश्व घटना के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया था कि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा उस कठिन परिस्थिति में भी बड़ी सहजता से कार्य किया गया, जिस कठिन परिस्थिति में प्रायः शासक निस्तनाबूत हो जाते। तो मैं थोड़ी सी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और इस पर आधारित कई प्रश्नों के बनने के कारण मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं कि अमेरिका जो था उसकी खोज की गई भले स्पेनिश व्यक्ति के द्वारा, पर वो लंबे समय तक के उपनिवेश रहा अमेरिका का, सॉरी ब्रिटेन का। जब ब्रिटेन का लंबे समय तक के उपनिवेश रहा तो ब्रिटेन में जो शासन था पहले वो राजा का था, और राजा का शासन होने के कारण वहां पर लगातार निरंकुशता हावी होते जा रही थी, और निरंकुशता हावी होने के कारण कभी भी शासक वर्ग अपनी निरंकुश बातों को मनवाने के लिए ही कार्य कर रहा था, और यही कारण रहा कि लगातार ब्रिटेन की हार हो रही थी, और हार होने के कारण वहां की जनता अपने आप को असंतुष्ट या ठगा सा महसूस कर रही थी। इसीलिए 1688 में ब्रिटेन में हुई गौरवपूर्ण क्रांति। जब ये गौरवपूर्ण 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उस समय में ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका पर शासन किया जाता था, पर ब्रिटेन में शासक और जनता के बीच लगातार टूटू-मेमे होने के कारण कभी भी अमेरिका के ऊपर उस प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा सका जिस प्रकार से प्रारंभ से ही ब्रिटेन के द्वारा भारत पर दिया गया। इसके कारण अमेरिका के लोगों में चेतना जागृत हुई, और चेतना जागृत होने के कारण वे हमेशा अपनी स्वतंत्रता के प्रति सजग रहे। और जैसे ही 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई तो ब्रिटेन के द्वारा लगातार अमेरिका का हरासमेंट किया गया, शोषण किया गया, और वहां की जनता अपनी जब स्वतंत्रता को दबा हुआ महसूस करने लगे तो उनके द्वारा वहां पर आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन चला 1776 के करीब करीब, 1776 सन याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? दूसरा, कंपनी की स्थापना हुई थी, और कंपनी की स्थापना के कारण लगातार व्यापार हो पा रहा था दक्षिण से, ठीक है बात। अब ये लगातार व्यापार हो रहा था, परंतु कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको वेतन मिलता था कम, और वेतन कम मिलने के कारण वे लगातार निजी व्यापार पर ध्यान देते थे, जिसके कारण कंपनी का घाटा हो रहा था ज्यादा, और कंपनी का घाटा ज्यादा होने के कारण कंपनी के घाटे को कम करने के लिए उस समय में ब्रिटिश सरकार के सामने उन्होंने ऋण की मांग की। जब ऋण की मांग की तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा कंपनी पर दबाव बनाया गया, उसी के कारण हमें दिखाई दिया कि कंपनी की माली हालत भी बेकार होती चली गई। ये विश्व की दो घटनाएं घटी, कोई दिक्कत? साथ में चीन जैसा एक नया क्षेत्र मिल चुका था जिससे व्यापार करना बहुत जरूरी था, क्योंकि चीन जो माना जाता था वो केवल वस्तुओं के केवल निर्यात के लिए, मतलब चीन प्रारंभ से भी निर्यात ही निर्यात करता था, वस्तु को आयात नहीं करता था, और यही कारण रहा कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहां से वस्तु को केवल अपने देश में ले जाती थी, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को लोग बुरी नजर से देखते थे, क्योंकि ब्रिटेन की पूंजी कहाँ पर जा रही थी? चाइना में। इसलिए चाइना के साथ व्यापार को संतुलित करने के लिए उनके द्वारा
एक वस्तु के निर्यात को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया गया जिसका नाम था अफीम। अफीम जितना चीन की सेहत के लिए बेकार था उतना ही ज्यादा अच्छा ब्रिटेन की सेहत के लिए था। ये तीन घटना मैंने बता दी ताकि आपको आपको मराठा समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर है? आगे हम चलते हैं। 1707 में, अब मराठा शुरू करते हैं। 1707 में आपको औरंगजेब की मृत्यु दिखाई देगी, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आपको शाहू महाराज की रिहाई दिखाई देगी मुगल से, और उसके बाद में वे अपने पेशवा नियुक्त करते हैं बाजीराव के पिताजी को, विश्वनाथ राव जी को, और उनके माध्यम से वे महाराष्ट्र में शासन करते। इसके बाद में बाजीराव खुद गद्दी पर बैठता है पेशवाई के, 1720 से लेकर 1740 तक के, और इस दौरान वो कृष्णा नदी से लेकर अटक तक के अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश करता है, और सफल भी रहता है। लगातार 30 तक युद्ध शायद लड़ता है, और उस युद्ध में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। वो शिवाजी के बाद में सबसे अच्छा छापा मार युद्ध करने में कौशल प्राप्त व्यक्ति था, इसलिए वो सफल भी रहा। और इसी के द्वारा कहा गया था कि जर्जर वृक्ष पर यदि आप हमला करोगे तो टहनियां अपने आप गिर जाएंगी। अर्थात बात ये थी कि अगर मुगल पर यदि आप सीधा प्रहार करोगे तो छोटे छोटे राज्य अपने आप मराठा में शामिल हो जाएंगे, मराठा एक अखंड और एक वृहद साम्राज्य बन जाएगा। इसी के द्वारा परिकल्पना की गई। और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, इसका बेटा इस परिकल्पना को आगे लेकर जाता है, और जब ये आगे लेकर जाता है तो 1740 से लेकर 1761 तक के इसके बेटे बालाजी बाजीराव के द्वारा शासन किया जाता है पेशवाई के। इसी के बाद में 1761 सबसे बड़ा युद्ध, जो युद्ध हुआ था अफगानियों के बीच में, और अफगानी और मराठा के बीच में हुआ था। जिसने ये निर्णय नहीं लिया, जिसके बारे में ये कहा जाता है, जिसने ये निर्णय नहीं लिया कि कौन शासक बनेगा भारत का, बल्कि उसने ये निर्णय लिया कि कौन शासक नहीं बनेगा, ये प्रश्न है। बात ये थी कि लगातार बालाजी बाजीराव के द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाया जा रहा था, और जिसके कारण उत्तर में लगातार सीमा बढ़ती जा रही थी, और सीमा जब अफगानियों से मिलने लगी तो युद्ध की संभावना बढ़ने लगी, और युद्ध की जब संभावना बढ़ने लगी तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध दिखाई दिया। पानीपत के दो युद्ध हो चुके थे 1526 1556 में, ये तीसरा युद्ध था जो पानीपत नामक जगह पर हुआ। इस युद्ध में अफगान सेना और मराठा सेना के द्वारा युद्ध लड़ा गया जो प्रत्यक्ष था। इस युद्ध का हारने का प्रमुख कारण ये भी रहा कि लगातार छापामार युद्ध में जो सैनिक कुशलता प्राप्त किए हुए थे उनको प्रत्यक्ष लड़ाई का जब अनुभव ही नहीं था तो स्वाभाविक रूप से युद्ध में हानि हुई, इसके कारण वो युद्ध हार गए। दूसरा प्रमुख कारण ये रहा कि मराठा साम्राज्य की अगर हम बात बोले तो इनकी कभी अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रही, ये लूटपाट पर ही अपने आप को हमेशा निर्भर रखे रह दिया, और यही कारण रहा कि लगातार ये दूसरे राज्यों पर आक्रमण ना करने का आश्वासन या धमकी देकर वो लगातार चौथ की वसूली करते थे, जिसके कारण लगातार सुदूरवर्ती जो सीमावर्ती राज्य थे इस मराठा साम्राज्य के, उनका हमेशा शोषण होते रहा, और ये हमेशा अपने आप को असंतुष्ट मानते थे। पर जैसे ही 1761 का युद्ध हुआ तो जितने सीमावर्ती राज्य थे जो चौथ देते थे मराठा को, वे अपनी असंतुष्टि को उन्होंने जाहिर किया, और मराठा को कभी मदद नहीं की, ना जाटों ने की, ना अवध ने किया, ना बाकी राज्यों ने। इसके कारण युद्ध में क्या हुई, हार गई, जिसका अच्छा वर्णन काशीराम पंडित के द्वारा किया गया। ठीक है, इसी के बाद में जैसे तैसे सेना को एकत्रित किया गया और नया पेशवा बनाया गया जिसका नाम था माधवराव। माधवराव शिवाजी और बाजीराव के बाद में तीसरा गोरिल्ला युद्ध पद्धति में युद्ध गोरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति था, परंतु एकाएक तपेदिक की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु हो जाने के कारण हमें दिखाई देता है कि
साम्राज्य अस्थिर बनने लग जाता है, और अस्थिर का कारण ये रहता है कि पेशवाई के पद की प्राप्ति के लिए युद्ध या षड्यंत्र की शुरुआत होती है, क्योंकि इनका बेटा बैठता है नारायण राव, और नारायण राव जो रहता है उसकी हत्या कर दी जाती है रघुनाथ राव के द्वारा, और रघुनाथ राव के द्वारा जब हत्या की जाती है तो रघुनाथ राव को लगता है कि मुझे कोई समर्थन नहीं देंगे, तो वो चला जाता है बेसिन, और वहां जाकर संधि करने की कोशिश करता है। जब संधि करने की कोशिश करता है, संधि होती है ब्रिटेन के साथ। इस संधि के माध्यम से ही ब्रिटेन का प्रवेश होता है मराठा साम्राज्य में, और पहले मराठा ब्रिटिश युद्ध की शुरुआत होती है, जो 1775 से लेकर 1782 तक चलता है। इस घड़ी में ब्रिटेन की सबसे दबी हालत थी, और यही कारण रहा कि 1775 से लेकर 1782 तक का जो युद्ध चला वो अंग्रेजों ने संधि के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश की, जिसका नाम था सालबाई की संधि। क्योंकि पूरे विश्व में लगातार आर्थिक हानि देख रहे थे, भारत में भी लगातार। इसी समय में अगर आपको याद हो तो मैसूर के साथ संबंध थोड़े से बिगड़ गए थे इस समय में, आपको पता। तो मतलब भारत में भी दो मोर्चे खुले हुए थे, विश्व में भी दो मोर्चे खुले थे, मतलब चार मोर्चों पर ब्रिटिश सरकार लड़ रही थी। इसी कारण सबसे कमजोर समय माना गया, जिससे अच्छे से निपटा उस समय का गवर्नर भारत में, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। इसी के बाद क्या हुआ, एक नया पेशवा बना जिसका नाम था माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय कम आयु में बना, और इसकी जैसी मृत्यु होती है तो रघुनाथ राव का कुपुत्र पुनः गद्दी पर बैठते, जिसका नाम था बालाजी बाजीराव द्वितीय। और बालाजी बाजीराव द्वितीय बनता है तो अपनी कुबुद्धि का प्रयोग करके जितने सरदार रहते हैं उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, और सरदारों के बीच गठबंधन ना होने के लिए सरदारों के बीच में फूट डालने की कोशिश करता है, और इसी दौरान एक सरदार के भाई की हत्या कर देता है, जिसके बाद में वो बेसिन जाता है भागकर, जहाँ अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि करता है। और अंग्रेजों के साथ में जब सहायक संधि करता है तो वो वर्ष रहता है 1802। 1802 में उस समय में गवर्नर जनरल बनकर आया रहता है वेलेजली, और वेलेजली अपनी सहायक संधि के लिए कुख्यात रहता है। वेलेजली के साथ सहायक संधि होती है, और सहायक संधि के साथ में ही हमें दिखा देता है सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेके 1805, जिसमें बुरी तरह से हारते मराठा, मराठा पेशवा भी और मराठा सरदार भी। अलग अलग संधि करते हैं अंग्रेज, देवगांव की, सूर्य अर्जन गांव की, ये सब संधि होती है। और इसी के बाद में अंग्रेजों के द्वारा मराठा को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश की। अब ये बात ये कि मराठा के ऊपर अंग्रेजों का अत्यधिक ध्यान होने का कारण क्या था, ये हमेशा प्रश्न रहता है कि क्यों मराठा के ऊपर, क्योंकि मराठा की भूमि उतनी थी नहीं अच्छी, और क्यों ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तो मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लैंड में चल रही थी औद्योगिक क्रांति, हमेशा आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके कारण लगातार सूती वस्त्रों का उत्पादन बढ़ते जा रहा था, जिसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। और कच्चे माल की आवश्यकता थी तो आपको पता है कि जो सूती वस्त्र बनते हो कपास से बनते हो, और कपास उगता है काली मिट्टी पर, और काली मिट्टी का एक बड़ा क्षेत्र पाया जाता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में वर्तमान, तो स्वाभाविक रूप से उत्पादन ज्यादा हो सकता था महाराष्ट्र के क्षेत्र में वर्तमान के, उस समय के मराठा क्षेत्र में। तो इसके लिए उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, और दिलचस्पी बढ़ने के कारण वो उस क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से अधिकार जमाना चाहते थे, और यही कारण रहा कि मराठा में उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। और 1802 से लेकर 1805 के बाद तो यह आसमान पर थी। इसी के बाद हमें दिखाई दिया एक नया गवर्नर आया, और नए गवर्नर के द्वारा अशांति फैलाने वाले पिंडारियों को हटाने की कोशिश की। ये पिंडारी कौन थे, ये पिंडारी मराठा सेना में काम करने वाले प्रथम पंक्ति के लुटेरे व्यक्ति थे, जो किसी भी क्षेत्र पर प्रथम आक्रमण करते थे, उसके बाद में सेना, और सेना उस प्रकार से जीत प्राप्त करती थी। ये पिंडारी मराठा साम्राज्य के कमजोर होने के कारण अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, और खाना और बाकी रसद की आपूर्ति के लिए ये लगातार आक्रमण कर रहे थे, जिसके कारण
अंग्रेजों की कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही थी, और इसलिए पिंडारियों के ऊपर एक सशक्त सैन्य कानून बनाया गया, और उसके ऊपर उसे कम करने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए दमनकारी की। पिंडारियों के ऊपर आक्रमण, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य पर आक्रमण, वो 1818 के करीब करीब तीसरा आंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। इस समय में भी जो पेशवा रहता है उसका नाम रहता है बालाजी बाजीराव द्वितीय, और पेशवा जो रहता है वो युद्ध में हारता है, और हारने के बाद में उसे निर्वासित कर दिया जाता है कानपुर के बिठूर, जहाँ पर वो अपना शेष जीवन बिताता है। और शेष जीवन बिताने के बाद में हमें दिखाई देता है कि अंग्रेजों के द्वारा मराठा साम्राज्य में शिवाजी के वंशज वंशज जो रहते हैं उनके साथ सहायक संधि कर ली जाती है, और शेष क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है। इसके साथ मराठा साम्राज्य हो जाता है समाप्त। कल के लेक्चर में सिख साम्राज्य और अंग्रेजों की नीतियों के विषय में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आज का प्रश्न, अंग्रेज मराठा के बीच में जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न, बाजीराव के बाद कौन सा तीसरा मराठा पेशवा था जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से युद्ध लड़ने में श्रेष्ठ था। धन्यवाद।